अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुरिया के पकवान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हम बनाना केक के लिए आए हैं, जो कि बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी होने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो बनाना के पीसेस ले लिए, बनाना को पीस में कट कर लिया। देन मैं उसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी फोक से। आप मैशर से मैश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इसको मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह मैश करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो 1 egg ऐड कर दूँगी। एक अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा ना हो, फ्रिज में रखा ना हो। आपने अगर फ्रिज में आपने अंडे रखे हुए हैं तो उसको 15 मिनट निकाल के बाहर रख दें, ताकि वो अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ जाए। देन मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है ग्रेजुअली, और अच्छी तरह इसको मिक्स करती जाऊँगी। बैटर को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे शुगर ग्रेजुअली ऐड करने के बाद। और ध्यान रहे कि एक ही जो है स्पीड से आप इसको मिक्स करिएगा, चम्मच ज़्यादा ना हिलाइएगा। देन मैंने फ्लोर ले लिया है मैदा 1 cup, साथ ही मैं इसके अंदर 1 tablespoon बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी, 1 teaspoon बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी, और इसको बॉल में अच्छी तरह छान लूंगी। ध्यान रहिएगा कि आप अच्छे से इसको छान लीजिएगा, ताकि कोई स्टोन या कोई चीज़ इसके अंदर ना रह जाए। छानने के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था बनाना और एग का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे एक ही स्पीड से और एक ही शेप में हिलाते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो इसके साथ थिक है। देन मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी, ताकि जो एग की स्मेल है वो कम हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो एक अच्छी सी इन्हेंस हो। देन हम इसके अंदर वार्म मिल्क या रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क ऐड कर देंगे। ठंडा मिल्क जो है वो मत ऐड करिएगा। कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, उस लिहाज से मिल्क ऐड करिएगा, जैसे आपको बैटर लगे कि बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ गया है। यहाँ पे मैंने एक मोड ले लिया है, उसके अंदर उसको ग्रीस करके उसके अंदर जो है वो बटर पेपर लगा दिया था। और साथ ही मैं इसके अंदर जो है जो हमने बैटर तैयार किया था बनाना केक का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से टैप कर लेंगे हम। देन मैंने इसके अंदर जो है वो चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए थे, क्योंकि चॉकलेट चिप्स से जो है ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। देन हम इसको जो है वो विदाउट ओवन बेक करेंगे, बिकॉज बहुत से घरों में जो ओवन अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए आसानी होती है इससे। देन ये आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ और ये टूट नहीं रहा, बिल्कुल एक स्पॉन्ज इसका रेडी हो गया है। मैं आपको इसका बटर पेपर उतार के दिखाती हूँ। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें, ताकि आने वाली रेसिपी को नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। नहायत स्पॉन्जी था, खूबसूरत था, सॉफ्ट था, टूट ये टूट कर हाथ में नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट बाजार वाला था। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दें, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।